ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, आज समय बड़ा विपरीत हो गया है। कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग अनजाने में, या कुछ लोग अपनी शौक से कुछ काम करते हैं जिसमें है दिन को रात, रात को दिन बनाना। मित्रों, अब जिनकी जॉब ऐसी है, काम ऐसा, उनकी मजबूरी होती है, उनकी व्यवस्था होती है कि उनको रात भर जाग के काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, और फिर उनको दिन में सोना पड़ता है। अब इनकी इच्छा नहीं है, पर क्या करें, इनका काम ऐसा है इसलिए इनको करना पड़ता है। यानी कि जिनको जागना चाहिए वो व्यवस्था में जागते हैं, अधिकांश मैंने ऐसा देखा, मतलब उनकी इच्छा नहीं पर जागना पड़ रहा है क्योंकि उनका काम ऐसा है। वहीं मित्रों, एक और प्रकार के लोग होते हैं जिसमें आजकल की युवा पीढ़ी विशेषकर, और मैंने देखा युवाओं से लेकर 40-50 साल तक के जो कुछ लोग हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि दिन में काम नहीं करते बनता, रात को काम बड़ा अच्छे से हो जाता है। और वहीं कुछ लोग और भी होते हैं मित्रों, जो गेम खेलने के लिए या सीरीज़ देखने के लिए या फिल्म मूवीज आदि देखने के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए रात को जागते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो लोग शौक से जागते हैं ना, ये अधिकांश हमने देखा है कि स्क्रीन के सामने होते हैं, टीवी के सामने होंगे या फिर मोबाइल के स्क्रीन के सामने होंगे, लैपटॉप के स्क्रीन के सामने होंगे। तो ये इनके साथ ये अलग विषय है मित्रों। तो हम आज इस पूरे विषय पे बात करेंगे, ताकि यदि आप रात को जाग रहे हैं, व्यवस्था है तो कोई बात नहीं, आप उस व्यवस्था में भी कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सके वो भी बताएंगे। और जो जानबूझ के जाग रहे हैं, आप क्या क्या गलतियां कर लेते हो और उसके परिणाम स्वरूप आपके साथ क्या क्या समस्याएं आती है, पहले समस्याएं गिनवा दूं जो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं उनके साथ सामान्यतः क्या समस्या आती है। हाँ, ये समस्याओं से आप बच सकते हैं, निर्देशों को ध्यान से सुन के समझ लेंगे तो। तो मित्रों, जो सबसे पहले जो रात को जागते हैं उनमें सबसे पहली स्थिति बन जाती है कि उनको बाद में फिर नींद नहीं आती है। मतलब आप दिन में सो पाए नहीं सो पाए, और क्योंकि दिन में आपको अब काम कर रहा है, सोना ही पड़ेगा क्योंकि रात को अब जागे हैं तो दिन में सोना पड़ेगा। लेकिन आपके पास दिन में भी काम है, क्योंकि जो नाइट शिफ्ट कर रहा है उसके पास तो दिन में काम नहीं है, वो सो सकता है। पर जो लोग जबरदस्ती रात को जाग रहे हैं, मतलब उनको काम नहीं है रात का और फिर भी वो जाग रहे हैं जो पढ़ाई आदि करने के लिए, तो आपको दिन में कॉलेज जाना है या दिन में जॉब करने जाना है, काम पे जाना है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो रात की नींद आप बंक कर रहे हैं यानी कि नहीं ले रहे हैं और आपको दिन में काम करना पड़ रहा है, नींद पूरी नहीं होती है। तो कई बार ऐसे लोगों को नींद पूरी नहीं होने की वजह से या नींद टालने की वजह से अनिद्रा यानी कि नींद ना आने की समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद मित्रों, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, रात को आप जागते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पाचन तंत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कि जो लोग व्यवस्था में जागते हैं उनका खानपान अलग होता है, क्योंकि रात को कम खाते हैं, वो सोचते हैं ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा, पर फिर भी खाना कुछ तो पड़ता है, जागते तो खाना पड़ता है। पर जो लोग शौक से जागते हैं, कि जो लोग टीवी मोबाइल आदि में जागते हैं, उनकी स्थिति क्या बनती है, वो रात को जागकर बेफर्श चाय कॉफ़ी, क्योंकि उनके पास धन की कमी नहीं है और धन है, तो वो ऐसी चीज़ें खाते जो उनके स्वास्थ्य को बर्बाद करती है, नुकसान करती है। और ऐसी स्थिति में कब्ज़ होना, उसके बाद एसिडिटी होना और शरीर में भारीपन होना, आलस बढ़ना, कमजोरी आना, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें खाएंगे तो ये आपकी कमजोरी बढ़ाएगी। और इन सबके परिणाम स्वरूप शरीर में पित्त का बढ़ना, और पित्त के साथ कभी कभी ये शरीर में बढ़ता है ना, वो उसके साथ खून में बढ़ जाए तो खून में गर्मी बन जाती है, जिससे कई बार किसी किसी को चर्म रोग, और साथ ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आलस, हर बात पे चिड़चिड़ापन, मतलब कुछ भी उनको बोलो उनको हर बात बुरी लगती है। तो ऐसी स्थिति कई बार जो शौक से रात को जागते हैं उनकी बन जाती है। पर जो व्यवस्था में जागते हैं वो कुछ गलतियों को संभाल लेते हैं, बचा लेते हैं, इसलिए उनके साथ वो समस्या उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि उनकी व्यवस्था है। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आप जो रात को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप उस बात को स्पष्ट हो सकें और आपको बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। मित्रों, नॉर्मली यदि आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी मनुष्य को 6 घंटे सोना चाहिए, और एलोपैथ जो बताता है, मतलब जो मेडिकल साइंस बताता है, उस हिसाब से तो 8 घंटे की नींद भी उनको लिए सही होती है। तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी नींद कितनी है, क्योंकि आप जितना थकेंगे, किसी किसी की हमने देखा है 10 से 12 घंटे में भी नींद पूरी नहीं होती है, और किसी किसी की नींद 5-4 घंटे में भी पूरी हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में पावर कितना, स्टेमिना कितना, आप कितने मजबूत हैं, उस अनुसार आपकी नींद आती है, उस अनुसार की नींद होती है। और जैसे आप सोते हैं, आपका सोने की स्थिति कैसी है, आप जब सो रहे हो तो तब आपकी स्थिति कैसी है, आप कितना साउंड स्लीप सो पाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी नींद कितनी होनी चाहिए। अब मित्रों, पहले बात कर लूँ जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनकी, उसके बाद जो दूसरे लोग हैं जो जबरदस्ती जागते हैं, मतलब जिनको जागने की जरूरत है वो भी जागते हैं, उन पर भी बात करूंगी ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाए। मित्रों, अब जिनको नाइट शिफ्ट करनी होती है, क्योंकि नाइट शिफ्ट आपको करनी है तो दिन को आपको रात और रात को दिन बनाना पड़ता है। अब आपको बता दूं, जब आप नाइट शिफ्ट करके घर पे आते हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आके पहले अपने घर में स्नान आदि कर लीजिए,
भोजन कर लीजिए। पूजा पाठ वगैरह जो आप करते हैं वो आपका काम है, उसके बाद आप भोजन कर लीजिए। और भोजन करने के बाद थोड़ा अपने परिवार, बच्चों में, माता पिता में, पत्नी में, घर के साथ समय बिताइए। ये इसलिए करना है मित्रों कि आप भोजन करने के तुरंत बाद आप सो जाएंगे ना, तो सोते समय तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लेफ्ट साइड नीचे करके सो जाना है। लेफ्ट करवट आप सो जाएंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी किसी को शरीर में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो पित्त बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सोने के बाद किसी किसी को पेट में भारीपन या पेट में कहते हैं ना गुड़गुड़ हो जाती है, या किसी किसी को खांसी भी आती है। क्योंकि मेरे घर में ये समस्या होती थी कि रात दिन में सो गए, खाना खा के सो गए, तो घंटे से डेढ़ घंटे बाद वो ऐसी खांसी उठती थी कि उसको फिर एक दो घंटा खराब कर देती थी और बाद में वो बस फिर नींद नहीं आने देती थी। तो आप क्या करिए, भोजन करने के बाद एक से डेढ़ घंटे का समय, क्योंकि भोजन करने के बाद आपको तुरंत आलस आएगा, पर आप थोड़ा समय बिताइए अपने परिवार के साथ, और उसके बाद हो सके तो थोड़ा 10-15 मिनट वज्रासन कर लीजिए ताकि आपका पेट हल्का हो जाए, और थोड़ा सीधा बैठने का अभ्यास करें ताकि आपके पेट को समस्या ना हो। उसके बाद आप सोने जाइए और आप सो जाइए। सोते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कमरा अंधेरा कर देना, जैसे रात को अंधेरा हो जाता ना, वैसे रात का अंधेरा आपको अपने घर में कर लेना है ताकि आपको साउंड स्लीप नींद आए और आप अच्छे से सो सकें। आप हाँ, एक बात और बता दूं, यदि रात को आपने एक आध घंटे की नींद निकाली, क्योंकि कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें एक आध घंटे की नींद मिल जाती है, तो आप दिन में कितना सोते हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि आपकी नींद कितनी है आप जानते हो, हम नहीं जानते। तो उस अनुसार आपको 4-5-6 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए, और ये नींद आप जैसे भोजन किया उसके बाद सोएंगे ना तो समस्या नहीं आएगी। अब जब आप उठते हैं तो मान लीजिए आपका सवेरा हुआ, तो हमने जो दिनचर्या सुबह से बताई ना कि सुबह उठ के आप उषा पान कर लीजिए, पानी पी लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा पेट साफ हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि सो के उठने के बाद एक बात आप नोटिस करिए, विशेषकर दिन में जब आप सो के उठते हो तो शरीर में थोड़ा भारीपन आ जाता है, और ये मित्रों ये दोनों के लिए लागू है, आप दोनों ये चीज़ समझ लें कि जब भी आप उठते हो तो भारीपन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको उठने के बाद क्या कर रहे हैं कि हो सके तो थोड़ा पानी अच्छे से पी लीजिए, जैसे हमने उषापान बताया कि एक डेढ़ दो मतलब दो एक लोटा जितना पानी आप पी लीजिए। धीरे धीरे स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने इस पर विस्तार से वीडियो दिए हैं कि पानी आपको कैसे पीना, कितना पीना है, वो आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आप वो समझ लीजिए, तो आप उस हिसाब से पानी पी लीजिए, और हो सके तो पेट साफ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके बाद आपको काम करने में भी आनंद आएगा, और आपका जैसे दिन चलता है ना वैसे आपका आगे जाएगा। और अब आपको काम पे जाना है, जब भी आपको काम पे जाना है तो काम पे जाने से पहले आप भोजन कर लीजिए, पर अभी भोजन आपको बहुत भारी नहीं करना है, क्योंकि शरीर में आलस आएगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, और सुधा ज़्यादा भोजन कर लिया तो शरीर में थोड़ा आलस बना ही रहता है, हम जब जानते हैं, और आपको सोना नहीं है। तो आप काम पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, भोजन अच्छे से खाएंगे, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी जो भी, आपको जागना है ना तो आपको खाना पूरा चाहिए, तो आप पूरा खाना खा के जाएंगे आराम से नॉर्मली। और उसके बाद साथ में ले जाने के लिए रात को ध्यान आपको एक बात का रखना है कि आपको चाय कॉफ़ी किसी को भी नहीं पीना है। जो आप शौक से जाग रहे हैं उनको भी रात को चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, क्योंकि रात को चाय कॉफ़ी आपको हमेशा नुकसान करती है, ये आपकी नींद को तो भगा देगी लेकिन मित्रों ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ा देगी, क्योंकि चाय कॉफ़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण प्लेलिस्ट में हमने चाय कॉफ़ी पर विस्तार से वीडियो दिया, आप देखेंगे समझेंगे तो पता चल जाएगा। अब आप रात को यदि खाना पीना पड़े तो क्या खाएं, मित्रों आप घर से सूप बना के ले जाएं। सूप किसी भी सब्जी को उबाल लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा उसमें तड़का दे दीजिए हींग जीरे का, और उसमें थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, और हल्का इसको तीखा मत करिएगा, ज़्यादा तीखा करने से समस्या हो सकती है। और इसमें चाहें तो आप, क्योंकि रात का समय है ना, तो एक औषधि आती है पिपली, सौंठ और काली मिर्च, ये तीनों को संभाग ले लीजिए, इसको पीस के आप काली ये मिर्च की जगह इस्तेमाल करिए, ये आपको मिर्ची का भी काम करेगी, साथ में आपके पाचन तंत्र को भी सही करेगी, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करेगा। तो आप जो सूप ले जाएंगे, सूप आप 3-4 घंटे बाद जो ले जाएंगे उसको पी सकते हैं, 3-4-5 घंटे बाद आप ले लेंगे तो, क्योंकि आपकी भूख कैसी लग रही उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और यदि रात को फिर आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि वैसे तो रात को खाना नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी अब आपकी थोड़ी सुबह होने जा रही है, तो उस समय आप चाहें तो कुछ फल आदि भी साथ में काद रखें ताकि आपका पेट भारी ना हो। मित्रों हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं, रात को आप जो भोजन करके निकलेंगे दिन में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका रात दिन हो रहा है ना, तो आपको जब काम करते समय जरूरत पड़े तो आप सूप पी लीजिए, क्योंकि रात का समय इसलिए सूप बता रही हूं, और उसके बाद आप कुछ फल वगैरह खा लीजिए। और मित्रों फल भरपेट खाइए, हाँ, पर फलों में कौन से फल खाएं, जो मौसम के अनुसार फल उपलब्ध हो रहे हैं, जो ऋतु के अनुसार फल उपलब्ध हो रहे हैं वो खाइए। आप बोलेंगे फल बहुत महंगे आते हैं जी, फल तो हम नहीं खा सकते। मित्रों बहुत से फल हैं,
जो मौसमी फल आते हैं वो हमेशा सस्ते आते हैं। और यदि आप देखें, केला है सस्ता है, पपीता भी सस्ता ही होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, अमरूद सस्ते होते हैं, तो ये फल आप खा सकते हैं। आप रात को अमरूद केला खाना, मित्रों मैंने कहा ना, ऋतु के अनुसार जो फल आते हैं वो आपको नुकसान नहीं करते। और दूसरी बात मित्रों, यदि मैं आपको अभी आगे और निर्देश दूंगी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दो प्लेलिस्ट दी हैं, स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण। ये दोनों प्लेलिस्ट ऐसी हैं मित्रों जिसमें हमने आपको स्वस्थ रहने के तरीके बताएं और रोगों के कारण को दूर करने के तरीके बताएं। तो यदि आप इसका पूरा पालन करते हैं तो जो चीज़ें आप कहते हैं ना, एलर्जी है, पचा नहीं पा रहे हैं, तो नाक में तेल डालने से, पानी सही मात्रा में पीने से पेट साफ हो जाएगा, तो आपको ये सारी की सारी समस्या नहीं रहने वाली है। पर हाँ, आपको भी भोजन का समय थोड़ा उस स्वास्थ्य नियम के अनुसार नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने आपको बताया कि रात को इतना हल्का लीजिए और सुबह आपको अच्छे से भूख लगेगी, तो आप घर जाइए और उसके बाद स्नान आदि करके, हाँ घर जाके यदि आप चाय वगैरह पीते, क्योंकि चाय वैसे हम मना करते, पर पानी पीने के बाद आप चाय पी लीजिए यदि आपको फिर भी ज़रूरत लगती है तो। पर हाँ, हम कहेंगे चाय के स्थान पर आप एक काम करिए, ये हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, परफेक्ट होम रेमेडीज एक वीडियो है कि सुबह आपको क्या लेना चाहिए, चाय के विकल्प के रूप में हमने वो चीज़ें दी हैं, आप उसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आप अपनी प्रकृति के अनुसार जीरे का पानी है, अदरक का पानी है, मतलब इसका आप काढ़ा जैसा बना के उबाल के पानी जैसा आप ले सकते हैं, ये भी आपका चाय का काम करेगा। और उसके बाद आप भोजन करके वापस सो जाइए। हाँ, अब आपको व्यायाम आदि करना, प्राणायाम आदि करना है तो वो आप शाम को करेंगे, वो आप सुबह नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप काम पर से आए हैं, थक के आए हैं। हाँ, यदि आपको लगता है तो थोड़ा प्राणायाम आधा घंटा कर लीजिए, पर व्यायाम आप मत करिए, क्योंकि व्यायाम अभी आपके बस का काम नहीं है, और करेंगे भी तो आपको थकान ज़्यादा हो जाएगी जो आपको वीकनेस देगी, इसलिए व्यायाम आपके लिए अभी वर्जित है इस समय ऐसी स्थिति में। और कहा ना, यदि आप दुबले पतले हैं तो ज़्यादा व्यायाम के चक्कर में मत पड़िए, शाम को भी आप उठ के बाद प्राणायाम आदि कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, जैसे हमने बताया वैसे शाम को कर लीजिए। बस हाँ, उसके बाद जैसे शाम को उठे हैं, पेट वेट साफ हुआ है, उसके बाद आपने जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखाया, नाश्ता किया, उसके बाद आप भोजन करने से पहले प्राणायाम आदि कर लीजिए, ये आपके लिए उचित रहेगा और ये आपके लिए सही भी, क्योंकि मेरे पापा ने भी शिफ्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा की है, मेरे पति जो थे वो उन्होंने भी शिफ्ट ड्यूटी की है, तो हम मुझे इसका अंदाज़ और वो चीज़ हम करते थे जो मैं मैनेज करती थी, जो मतलब मैं करती थी, मेरी माँ ने मैनेज किया, और जो हमने अपने आसपास होते देखा, मैं उसी आधार पर आपको सारी बातें बता रही हूँ, ताकि आप, क्योंकि मेरे पिताजी आज भी हैं और उन्हें सालों, क्योंकि पहले आर्मी में भी शिफ्ट ड्यूटी की, उसके बाद क्रिप्को में भी उन्होंने शिफ्ट ड्यूटी की, करीब 25-30 साल उन्होंने शिफ्ट ड्यूटी क्रिप्को में की, उसके बाद पहले आर्मी में की थी, तो इतना लंबा शिफ्ट ड्यूटी करने के बाद भी आज भी मेरे पिता एकदम स्वस्थ हैं, उनको किसी भी गोली की आज भी बीपी शुगर कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। बस हाँ, आप उम्र के चलते थोड़ा सा होठ फड़फड़ाते हैं तो हल्का सा ऐसे होता है, बाकी उनको चश्मा है तो बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, तो चश्मा तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को आ जाता है, तो आप इस तरह से शिफ्ट ड्यूटी करने वाले अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब मित्रों, जो अपने आप को बलपूर्वक यानी कि जिनको शौक से जो लोग जागते हैं, मित्रों आपको एक बात बता दूँ, आप अभी युवा हैं, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आपको नींद टाइम पर आती है, पर आप उसको मोबाइल के सहारे या किसी चीज़ के सहारे उसको भगा देते हो, तोड़ देते हो। मित्रों, ये जो आप अभी नींद को भगा रहे हो, आप आगे जाके देखोगे कि अब आपको नींद नहीं आ रही, आप सोना चाहते हो, आप सो नहीं पा रहे हो। मित्रों, जिसकी व्यवस्था है वो जब चाहेगा रात को सोएगा, अभी उसकी व्यवस्था नहीं सो पा रहा, पर जब उसकी स्थिति बन जाएगी रात को सो पाएगा। लेकिन जो आप अपना शौक बना रहे हो, जो जबरदस्ती जाग रहे हो, ये आपकी इतनी स्थिति बिगाड़ देगा मित्रों, क्योंकि एक कुत्ते को भी 10 बार भगाओ ना तो कुत्ता भी फिर आपके दरवाजे पर नहीं आता है, वो भी चला जाता है। तो ये तो आपकी प्यारी निद्रा रानी है, जो एक रानी होती है मित्रों, आप उसको भगा रहे हो, और उसके परिणाम है कि अब जो आप झेलोगे या झेल रहे हो, आप देखिए आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, काम में मन नहीं लगता, और कई बार ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन जैसा हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारण है आपका रात को जागना। मित्रों, आप वो हैं, आपको काम दिन में ही करना पड़ता है, पर आप रात को 2-3-4 बजे तक जागते हो, उसके बाद आप जब दिन में सोते हो, मतलब जो आप लेट सोते हो, उसके बाद जो आपका पेट साफ नहीं होता, क्योंकि आपने स्थितियाँ वैसी बनाई नहीं है, और कुछ चीज़ें आपको लगता है कि हम मनमानी करेंगे और चल जाएगा, मनमानी कभी नहीं चलते मित्रों, मनमानी करने से हमेशा हानि होती, क्योंकि हम जितने प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं उतना ही हमें अपने जीवन में हानि उठानी पड़ती है। अब मित्रों, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो आप शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हो, आप
अपने काम को बोझ मत समझिए, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप करो कोई बात नहीं, पर इसको अपने उत्साह से करिए, क्योंकि जितना आपके मन में उत्साह होगा उतना पॉजिटिव रह पाएंगे, और जितना आप उत्साह से रहित हो जाएंगे, मतलब जितना आप उसको बोरियत के रूप में लेंगे, जितना आप उसको परेशानी के रूप में लेंगे, उतना ही आप परेशान होंगे। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आप किसके लिए करें, वो सोचिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए करें, पति पत्नी बच्चों के लिए करें, अपने लिए करें, तो ये आप उस कि जो पूर्ति के लिए, जिसकी पूर्ति के लिए आप करें ना, उसका उत्साह मन में रखिए। मित्रों, काम करने के कई तरीके होते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं, एक भवन बन रहा था, भवन बनने में किसी से पूछा आप क्या करो, उसने बोला पत्थर तोड़ के भवन बना, तो बोला पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, उसी से भी ये प्रश्न पूछा गया, उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए रोटी कमा रहा हूं। तीसरे ने कहा मैं निर्माण कर रहा हूं। चौथे ने कहा मेरी क्या ताकत है, मैं कुछ करूं, ईश्वर जो करवा रहा है मैं उसके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि आप जब आनंद से काम करते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन में काम करते हो, या आप निर्माण करते हो। हाँ, रोटी कमाओगे तो भी थोड़ा सा मन में रहता है, और पत्थर तोड़ने वाला काम तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि उसमें गुस्सा हो जाता होता है। तो ये आप अंतर समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जो बच्चों, आप रात को जागते हो, अपने आप को संभाल लो, अन्यथा आगे जाके जो समस्याएं आएंगी आप उसका सामना नहीं कर पाओगे, और जीवन धीरे धीरे शॉर्ट शॉर्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि आप रात को दिन बना रहे हो, दिन को रात बना रहे हो। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना मित्रों, जब काम करने के लिए जैसे बना वो वैसे ही काम करता है, यदि आप उसको बदलते हो तो ऐसी स्थिति में, मैंने जो शुरुआत में बता दी थी, सारी की सारी समस्याएं धीरे धीरे खड़ी होने लग जाती हैं। आप देखिए, इस संसार में मनुष्य ने बहुत कुछ बदला है, और मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, और वहीं जो मनुष्य के साथ जो जीव जंतु रहते हैं ना, जो मनुष्य पालता है, मनुष्य जिनसे रोड के किनारे घर है कुछ नहीं कर सकती, मनुष्य जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ऐसा कहता है, और उन पे जो एकाधिकार करके अपने घर में ले आता है, वो जीव परेशान होते हैं, बीमार पड़ते हैं। बाकी जंगल में रहने वाले या अपने वातावरण में रहने वाले जीव कभी भी परेशान नहीं होते, वो अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अपना जीवन उस हिसाब से जी के ही पूरा होते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को प्रकृति के तरीके से जीते हैं, ना कि मनुष्य की तरह विकृत बना के जीते हैं। तो आशा है आपको भी स्पष्ट हुआ होगा कि जो आप रात को दिन, दिन को रात बना रहे हो, ये आपके लिए कितना घातक है। और आप खाली यदि नहीं समझ पा रहे हो, एक हफ्ते मेरे कहने से आप रात को सो के देख लीजिए, आप बोलेंगे नींद नहीं आती हमको इसलिए हम जागते हैं। आप मोबाइल 8 बजे छोड़ दीजिए, टीवी 8 बजे बंद कर दीजिए, किसी डिवाइस का सहारा मत लीजिए, और किसी पुस्तक का सहारा मत लीजिए, कुछ लोगों को पढ़ने की भी आदत होती है, मत लीजिए, और फिर देखें आप कैसे रात भर जागते हो। नहीं जाग पाओगे आप, 2 से 3 दिन में के अंदर आप सो जाओगे, करके देखिए पता चल जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है मतलब आप रात को जबरदस्ती जागते हो, आपको जागने की स्थिति नहीं है। अब मित्रों आपको बता दूं, जो भी शरीर में आपकी समस्याएं आ जाती हैं, कुछ गलतियों से आ जाती है, कुछ भी रोग आ जाता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से रोगों पर वीडियो दिए, उसके बाद युवा सावधानी युवा बच्चे नहीं हम प्लेलिस्ट में भी आपकी समस्या पर कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो आप हस्तमैथुन वगैरह कर लेते हो उस पर, उसके बाद रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, ये सारी प्लेलिस्ट हमने दी है आपके हर रोग के समाधान के लिए। और उसके बाद हमने परफेक्ट होम रेमेडीज और सरल भोजन, जो भोजन बनाने में जो गलतियां होती है, उस पर भी वीडियो दी है। और अंत में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, जहां मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं, जो आपको जीवन जीने में, निर्णय लेने में आपकी सहायता करेंगे। और उसके बाद अंत में हमने अपना नंबर दिया, यदि आपको लगता है कि कुछ कंसल्टेंसी करने से आपको कोई रोग विशेष कुछ है तो समाधान जल्दी हो जाएगा, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, पर कंसल्टेंसी की फीस होती है। और एक बस सीधी सी बात बता दूं आपको कि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और उसके लिए हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को नॉर्मली दवाइयाँ नहीं बताते हैं, हम जो दवाइयाँ बताते हैं मिनिमम होती हैं, और दवाइयों के भरोसे हम रहते नहीं हैं, इसलिए हम तब बताते अपना ब्रेन ट्यूमर बिना दवा के ठीक किया। ये मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वाकई बिना दवाओं के भी रोग ठीक होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।